हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है विद्युतधारिता। चौथा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्लास में हमने तीसरा जो पार्ट है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। चौथा जो पार्ट है वो है विद्युतधारिता का। विद्युतधारिता को समझते हैं तो इस पार्ट को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक इसकी अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर की अगर बेसिक अच्छे से आ जाती है तो फिर चैप्टर आगे जो है उसको सोल्व करना, उसको समझना आसान हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस विद्युतधारिता के चैप्टर में समझेंगे चालक और अचालक पदार्थों को। चालक पदार्थों को समझेंगे, ठीक है। एक तो हम समझेंगे चालक पदार्थों को और एक समझेंगे अचालक पदार्थों को। चालक और अचालक जो पदार्थ है उनको हम समझने वाले हैं पहले, क्योंकि इनके समझने के बाद ही हम धारिता को, विद्युतधारिता को समझेंगे चालक के लिए। तो जो चालक पदार्थ होते हैं आप सभी जानते हैं, जो चालक पदार्थ है, अगर पदार्थों की बात करें तो पदार्थों में जो पदार्थ है वो मिलकर बने होते हैं किसी न किसी परमाणुओं से। परमाणुओं के जो केंद्र होता है उसको हम बोलते हैं नाभिक। आपने पढ़ा है 11वीं में भी, ठीक है। नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये होते हैं इसके कक्षक। कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं। केमिस्ट्री में आपने इस बात को समझा है। तो जो आपके पास केंद्र है उस केंद्र में कौन होता है? परमाणु के केंद्र में कोई भी पदार्थ है, चाहे वो चालक है चाहे कुचालक है, वो बाद की बात है। पहले हम परमाणु को समझ रहे हैं। तो परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश, ठीक। नाभिक के चारों ओर होते हैं वृत्ताकार कक्षक होते हैं। वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक बात समझते हैं, इसमें थोड़ी फिजिक्स लगाते हैं। हमने पढ़ा है कि प्लस प्लस जो आवेश है या प्लस माइनस आवेश है, तो एक समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण। और प्लस और माइनस जो आवेश है उसकी बात करें तो प्लस और माइनस विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो इनके मध्य कैसा बल लगता है? आकर्षण। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ये नाभिक है बेटा, ये नाभिक इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, विद्युत बल, और उस बल का नाम क्या होगा? उस बल का नाम होगा आकर्षण विद्युत बल। आकर्षण विद्युत बल होगा, और आकर्षण विद्युत बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत बल का मान क्या होगा? कम होगा। और दूरी अगर कम हो रही है तो विद्युत बल का मान बढ़ रहा है। तो इस नाभिक के सबसे पास जो कक्षक है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस पर विद्युत बल सबसे ज्यादा है। अरे बोलो, नहीं क्या? विद्युत बल सबसे ज्यादा, ठीक है। कब? जो नाभिक के सबसे पास वाला कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन पर जो बल लग रहा है वो बल कैसा है? सबसे ज्यादा है। फिर जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कक्षक बढ़ते जाएंगे, ये वाला कक्षक है, फिर उसके बाद इसके बाहर वाला कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे हमने देखा कि विद्युत बल जो है उसमें दूरी बढ़ती है तो विद्युत बल का मान क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बल का मान कम हो जाता है। तो जो बाह्यतम कक्षक होता है, यानी कि वो पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना है उसका जो बाह्यतम कक्षक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होता है। ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब इस वाला, ये जो अगर आप ये कह लीजिए बाह्यतम कक्षक है इस परमाणु का, तो ये बाह्यतम कक्षक है, तो इस बाह्यतम कक्षक में, इस बाह्यतम कक्षक में बेटा क्या देख रहे हैं आप कि ये बाह्यतम कक्षक में नाभिक से इसकी दूरी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इस पर आकर्षण बल कम होने की वजह से ये कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं? कि परमाणु के बाह्यतम कक्षक में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही कम होता है।
से बहुत ही कम होएगा आकर्षण बल, तो उससे क्या होगा आकर्षण बल कम होएगा, तो ये भाई इस कक्षक में स्वतंत्र विचरण करता रहता है। स्वतंत्र विचरण करेगा तो क्या होगा, ऐसे कक्षक ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो जिन पर नाभिक का आकर्षण बल बिल्कुल ही कम होता है। अब हम बात कर रहे थे कि चालक पदार्थ जो है, चालक पदार्थों की बात करें, चालक पदार्थ की बात करें तो चालक पदार्थ में क्या है बेटा, चालक पदार्थ में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा अभी, ध्यान से समझो एक बात, कि जो भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बने, क्योंकि बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणुओं से फिर पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो परमाणु है किसी पदार्थ का उसके बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो तो ऐसे पदार्थ होते हैं चालक पदार्थ। फिर हम बात करें कुचालक पदार्थ की, तो कुचालक पदार्थ क्या होगा, ऐसे पदार्थ के ऐसे इन पदार्थों के जो परमाणु है उनके बाह्यतम कक्षक में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उससे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये देखो ध्यान से समझना, अचालक पदार्थ की बात करिए कुचालक, दोनों का मतलब एक ही है, पहली बात तो ये है ना जी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक में कम रहेंगे तो वो चालकता में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, उन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, इस वजह से वो मुक्त नहीं कहलाते। आकर्षण बल ज्यादा है, उनको कक्षक से तोड़ना बहुत ही मुश्किल, बहुत ज्यादा ऊर्जा देने के बाद भी ये नहीं टूटते, यहाँ से नहीं टूटेंगे तो चालकता में भाग नहीं लेंगे। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन चालकता में भाग नहीं लेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, वो पदार्थ कहलाएगा अचालक या फिर कुचालक पदार्थ। बात समझ में आई क्या, या देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त अवस्था में नहीं है या नाभिक आकर्षण बल बहुत ही प्रबल है, बहुत ज्यादा है, तो वो चालकता में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन चालकता में भाग नहीं लेंगे तो एक बात क्लियर हो गई, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अचालक पदार्थ। अब बात करते हैं चालक पदार्थ, चालक पदार्थ में क्या है बेटा, चालक पदार्थ में हमने देखा कि नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम होगा, उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये स्वतंत्र इस कक्षक में विचरण करते रहते हैं। इनको हल्की सी भी ऊर्जा दे देते हैं ना, थोड़ी सी ऊर्जा, तो थोड़ी सी ऊर्जा देने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक को छोड़ देगा, और इलेक्ट्रॉन इस कक्षक को छोड़ देगा इसका मतलब इस परमाणु को छोड़ देगा, परमाणु को छोड़ देगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, चालकता में भाग लेने के लिए, कहाँ चला जाता है, चालकता में भाग लेने के लिए, वो चला जाता है चालकता में भाग लेने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन चालकता में भाग लेने के लिए चला जाता है, ऐसे पदार्थ के जो परमाणु है या परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं, इन परमाणु से मिले पदार्थों को चालक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चालकता में भाग लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिन पर बाह्यतम कक्षक, अगर बात करें जो परमाणु है उसके बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर अगर हम बात करें तो जो विद्युत बल है वो विद्युत बल बहुत ही कम लगता है, विद्युत बल बहुत ही कम लगेगा, यानी कि आकर्षण बल बहुत ही न्यूनतम होता है, या हम कहें कि इसका नियंत्रण, नाभिक का नियंत्रण उस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम होता है, वो उस कक्षक में मुक्त विचरित करता रहता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, थोड़ी सी ऊर्जा देते ही ये टूट जाता है, टूटने के बाद ये चालकता में भाग लेता है, चालकता में भाग लेता है, तो ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ होते हैं। कुचालक पदार्थों में क्या था, कुचालक पदार्थों में जो ऐसे ये जो पदार्थ हैं ऐसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिनके नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल प्रबल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं नियंत्रण बहुत अधिक होता है, नियंत्रण अधिक होगा तो उससे क्या होगा, इनको ऊर्जा देकर तोड़ना मुश्किल होगा, बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को मुश्किल होगा, तो
क्या होगा बेटा, वो चालक तम भाग नहीं लेंगे, चालक तम भाग नहीं लेंगे तो क्या होगा, ऐसे पदार्थ अचालक या फिर वो चालक पदार्थ कहलाएंगे। तो भाई पदार्थों को दो कैटेगरी में हमने रखा, वैसे एक कैटेगरी और आएगी हमारी सेकंड फिजिक्स में जिनको हम बोलेंगे अर्धचालक, उनकी बात नहीं करेंगे हम, केवल विद्युत धारिता की बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने चालक के बारे में बताया, ठीक है, और कुचालक के बारे में, कुचालक बोल सकते हैं इसको या फिर अचालक बोल सकते हैं। अब दूसरी एक और बात समझते हैं, क्योंकि इनका उपयोग करेंगे इस पार्ट में, बार बार आएगा चालक पदार्थ की धारिता, फिर वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि चालक पदार्थ होता क्या है, इसलिए मैंने इसको बेसिक बताया चालक पदार्थ की। चालक पदार्थों में मुख्य इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये आपके समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, रफ करने के बाद हम बात करते हैं एक और छोटा सा जो टॉपिक है जो इसमें काम आएगा, वो टॉपिक आपके पास है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हेलो हाँ जी, एक बात और यहां से समझते हैं अपन, द्रवित और अद्रवित पदार्थ, किसको, द्रवित और अद्रवित पदार्थ को, द्रवित और अद्रवित पदार्थ, देखो ध्यान से, एक तो होता है द्रवित पदार्थ, द्रवित पदार्थ, और एक होता है बेटा आपके पास अद्रवित पदार्थ, अद्रवित पदार्थ, ठीक है। देखो परिभाषा चित्र से ही बनाएंगे अपन, बहुत ही आसान परिभाषा बनाएंगे इनकी, और रटना नहीं किसी भी परिभाषा को, परिभाषा उसके अंदर छुपी होती है। तो द्रवित और अद्रवित पदार्थ की बात करें तो पहले चित्र समझते हैं, द्रवित क्या है, द्रवित में क्या है, चित्र बनाता हूं मैं पहले और फिर इस बात को अपन थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। और अद्रवित की बात करें तो अद्रवित बनाया मैंने, दिख रहा है कुछ, समझ में आ रहा है, समझते लो, आप कुछ देख रहे हैं, द्रवित पदार्थ देखते हैं पहले, और परिभाषा भी यहीं से निकल के आई चित्रों से। इसका मतलब द्रवित पदार्थ में धनात्मक आवेश और जो ऋणात्मक आवेश होते हैं उनके जो गुरुत्वीय केंद्र हैं, क्या बेटा ध्यान से समझना, बात की हमने कि धनात्मक आवेश एक तो है आपके पास धनात्मक आवेश और एक है आपके पास ऋणात्मक आवेश, ठीक है जी। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का गुरुत्वीय तल दोनों का गुरुत्वीय तल जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का गुरुत्वीय तल असमान हो, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं द्रवित पदार्थ, ठीक। अद्रवित की बात करें तो अद्रवित में भी दो ही आवेश हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का गुरुत्वीय केंद्र एक ही है, इसमें गुरुत्वीय केंद्र है बेटा तल, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना इसका। तो इनका गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा, एक ही हो, किस किस का, धनात्मक आवेश का भी और ऋणात्मक आवेश का, गुरुत्वीय केंद्र अगर एक ही हो, या हम कह सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का जो यहाँ पर केंद्र है वो सकेंद्रीय होते हैं, यानी कि गुरुत्वीय केंद्र एक ही होता है, गुरुत्वीय केंद्र एक होता है उसको सकेंद्रीय भी बोलते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अद्रव्य पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी परिभाषा हमने रटी नहीं है, समझी है और समझा ये है हमने, दोबारा से देखिए द्रवित पदार्थ क्या होंगे, ऐसे पदार्थ, देखो पदार्थ में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं, ये बात तो अपन ने पहले पार्ट से पढ़ते आ रहे। अब अगर दोनों का धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का गुरुत्वीय केंद्र अलग अलग है तो कहलाएंगे द्रवित पदार्थ, और गुरुत्वीय केंद्र समान है किस किस का, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का, तो वो पदार्थ कहलाएंगे अद्रवित पदार्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस अद्रवित पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, अपन किसमें रख दिया बेटा, कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसमें अगर रख देते हैं या विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो ये जो अद्रवित पदार्थ है वो क्या हो
हो जाता है, दुर्वित हो जाता है। यानी कि इसके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो है वो क्या हो जाएंगे, उनके जो केंद्र है वो अलग अलग हो जाएंगे। कब? जब किसी विद्युत क्षेत्र में लगते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र इन पे विद्युत बल लगाएगा, विद्युत बल लगाएगा तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का जो केंद्र एक था वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी जैसे इसमें है अयद्रव्य, ठीक है। इसका मतलब अयद्रव्य पदार्थ के किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने से उसमें क्या हो जाता है, द्रवण हो जाता है या द्रवित हो जाता है वो पदार्थ, ठीक है। तो ये हमारे जैसे हम विद्युत धारिता पढ़ेंगे वहां पे हम अलग अलग माध्यम अप्लाई करेंगे, अलग अलग माध्यम रखेंगे। तो माध्यम में अद्रवित माध्यम रखेंगे तो फिर विद्युत क्षेत्र होगा, तो अद्रवित माध्यम क्या हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा। द्रवित कैसे होगा मैंने बता दिया, द्रवित होने के लिए धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये बात क्लियर कर लेना, ध्यान से समझ लेना, दिमाग लगाओ, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आगे चलते हैं हम पाठ की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखो मैंने बताया आपको चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ बहुत काम आएगा अपने इस चैप्टर में, बार बार होगा कि किसी चालक पदार्थ की धारिता, चालक पदार्थ की धारिता। चालक पदार्थ आपने बहुत पढ़ा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, नवी से पढ़ते आ रहे हो, है ना जी। उसको मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉनों से समझाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया द्रवित पदार्थ और अद्रवित पदार्थ, है ना जी। अब हम बात करते हैं आगे अपने जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमारे पास आ जाता है पहला ही टॉपिक, पार्ट से संबंधित पार्ट का जो नाम है वही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, ठीक है, विद्युत धारिता परिभाषा तो हम बढ़ा लेंगे, लेकिन पहले दैनिक जीवन में विद्युत धारिता कहाँ काम आ रही है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझो। विद्युत धारिता में क्या होता है कि हम किसी भी पदार्थ को आवेश देते हैं। मान लीजिए किसी पदार्थ को हमने क्यों आवेश दिया, किसी भी पदार्थ को आवेश देते हैं तो उसके विभव के मान में भी परिवर्तन होता है, यानी कि विभव का मान भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पदार्थ है जब उसको आवेश देते हैं तो उसके विभव के मान में क्या आ जाता है, परिवर्तन होता है, यानी कि विभव का मान भी बढ़ता है। इसका मतलब हम भौतिक विज्ञान में अगर एक चीज को बढ़ाते हैं दूसरी भी बढ़ती है तो उसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि क्यू समानुपाती वी। इसका मतलब अगर क्यू का मान बढ़ेगा तो वी का मान भी बढ़ेगा, बस सही। अब दूसरी बात हम समझते हैं विद्युत धारिता में कि भाई इसका मतलब किसी पदार्थ को आवेश देंगे तो उसके विभव के मान में भी परिवर्तन होगा, विभव का मान भी बढ़ेगा, हाँ जी। तो विद्युत धारिता यहाँ से अगर अपन देखें तो ये परिभाषा के अनुसार किसी चालक को दिया गया आवेश, आवेश देने पर उसके विभव के मान में वृद्धि होती है जो उसके आवेशों को संग्रहण करने की जो क्षमता है। विद्युत धारिता जो है उसकी परिभाषा देखें तो आवेशों को संग्रहण करने की, संग्रहण करने की जो क्षमता है वही कहलाती है आपकी धारिता, या आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता या संग्रहण करने की क्षमता, या इंग्लिश में बोले तो स्टोर करने की जो क्षमता है वो क्षमता ही कहलाती है विद्युत धारिता, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा था कि कहाँ काम आता है हमारे दैनिक जीवन में, तो आवेशों को यहाँ पे संग्रहण करने की क्षमता थी वो विद्युत धारिता थी। तो भाई दैनिक जीवन में देखो जितने भी उपकरण जो हमारे चलते हैं उनमें प्रारंभ में हमें क्या करना पड़ता है, प्रारंभ में हमें उन सबको कोई ना कोई बहुत सारा आवेश एक साथ देना होता है। जैसे आपने देखा होगा सीलिंग फैन, छत का पंखा, सबने देखा अपने घर, छत का पंखा जैसे ही हम ऑन करते हैं तो उसको ऑन करते ही चलाने के लिए, प्रारंभ में चलाने के लिए, क्योंकि न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन ये कहता है कि कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर रहती है और अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पंखा स्थिर था, अचानक से उसको अगर आप गतिमान करना चाहेंगे तो हमें बहुत सारी ऊर्जा उसको देनी होगी,
और बहुत सारी ऊर्जा हमारे जो घरों में सप्लाई है वो एक साथ नहीं दे सकती, तो फिर हम लगाते हैं उसके साथ एक संधारित्र जो क्या करता है वो बहुत सारी ऊर्जा उसको दे देता है। ठीक है, इस बात को ऐसे समझते हैं कि मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, मान लीजिए मुझे 20 बकेट पानी के, बहुत सारा यानी कि 20 बाल्टी पानी की चाहिए, 20 बाल्टी पानी के चाहिए एक साथ कुछ माइक्रो सेकंड में, तो आप बोलोगे सर जी समरसिबल से ले लेंगे, समरसिबल पानी का स्रोत तो है और टाइम के साथ साथ तो 20 बाल्टी दे सकता है, लेकिन मुझे तो कुछ माइक्रो सेकंड 20 बाल्टी पानी की चाहिए, तो भाई कुछ माइक्रो सेकंड में समरसिबल नहीं दे सकता, तो फिर क्या करें? तो एक ही ऑप्शन है 20 बाल्टी एक साथ पानी लेने का, कि पहले पानी को स्टोर करके रख लो, संग्रहित करके रख लो, ग्राइंड करके रख लो 20 बाल्टी, और फिर जैसे जरूरत पड़े एक साथ 20 बाल्टियों को यूज कर लो कुछ माइक्रो सेकंड। यही काम होता है संधारित्र का, जो धारिता है उसका। ये आवेशों क्या करती है, ये आवेशों को संग्रहित करके रख लेती है और जैसे जरूरत होती है परिपथ में वो सारी ऊर्जा एक साथ उस मशीन को दे देती है, जिससे वो मशीन चलना प्रारंभ हो जाती है। बात समझ में आई? इसको और अच्छे से अपन समझेंगे बाद में, जब अपन अगला चैप्टर इसका अगला जो टॉपिक करेंगे, इसकी परिभाषा को भी अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके मात्रक, इसकी विमा है, इसका कुछ ग्राफ आएगा, वो बाद अगले हम जो टॉपिक आएगा उसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि 20 बाल्टी पानी के रख ली, वैसे ही सिस्टम कुछ होता है धारिता, धारिता क्या करती है आवेशों को ग्रहण करके रखती है, संग्रहित करके रखती है और जैसे जरूरत होती है एक साथ दे देती है। और देखो कैमरे का जो फ्लैश होता है, जो आपने देखा शादी में इनमें कैमरा यूज करते हैं, वो 3 वोल्ट की बैटरी होती है सिंपल, और इतना सारा फ्लैश आता है एक साथ ऑन करते ही, कई बार तो आंखें भी बंद हो जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो इतना सारा चार्ज पहले से स्टोर करके रखा, जैसे कैमरा मैन उसको क्लिक करता है तो बहुत सारा फ्लैश हमारे ऊपर गिरता है, जो हमारी जनरल लाइट होती है घरों की उससे भी कहीं अधिक तीव्र होता है। ठीक है ना, इसका मतलब आवेशों को ग्रहण करने की जो क्षमता है और एक साथ किसी परिपथ को आवेश देने की जो क्षमता, आवेश देना किसी परिपथ को, वही कहलाती है धारिता। ठीक है, इसको आगे समझेंगे हम अगले, क्योंकि हम वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम विद्युत धारिता को एक्सप्लेन करेंगे पूरा मैथमेटिकली। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।